एक बार फिर से आप सभी का वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग जो मैपिंग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला सेशन हमारा चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हुए ऑस्ट्रेलिया को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ लास्ट क्लास हम लोग एशिया को हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग कॉन्टिनेंट ले रहे हैं कौन सा, हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। देखिए, इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आप इसके ईस्टर्न साइड में आप आओगे तो क्या मिलेगा आपको, अटलांटिक ओशन मिलेगा, और इसके वेस्टर्न साइड में आपको मिलेगा प्रशांत महासागर। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, वही पैसिफिक ओशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो इतनी बात। अब देखिए, इस कॉन्टिनेंट के अंदर की बात करें तो ये जो कॉन्टिनेंट है ये जुड़ा हुआ है, ये मिलेगा आपको पनामा। क्या मिलेगा, पनामा। और ये ऊपर से जुड़ जाता है किससे जाकर के, नॉर्थ अमेरिका से जाके जुड़ा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर क्या है, पनामा कैनाल भी आपको इसी क्षेत्र में मिलती है। क्या मिलेगी, पनामा नहर आपको मिलती है। और ये पनामा नहर इस ऊपर है, हम लोग इसको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देख लेंगे, इस पनामा कैनाल को मैं फिर भी लिख देता हूँ यहीं पर, पनामा कैनाल, ठीक है। ये पनामा कैनाल इस पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन से, या यहाँ पे एक कैरिबियन सागर आपको मिलेगा वहां से कनेक्ट कर देती है। तो हमें तो इस अभी फिलहाल इससे मतलब है। चले तो देखिए, इस अटलांटिक इस कॉन्टिनेंट की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले यहाँ का दो तीन माउंटेन बड़े फेमस है। एक ही माउंटेन मिलेगा, दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज, उसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला। वो कहाँ मिलेगी आपको, इसी उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही आपको मिलेगी। देखिए, एंडीज माउंटेन इसके पूरे यहाँ तक वेस्टर्न कोस्ट पे फैली हुई है, तो यहीं पे मिलेगी आपको एंडीज। फिर यहां तक भी, नीचे तक भी, फिर से क्या मिलेगी आपको, तो मैं लिख दे रहा हूँ इसको। तो देखिए, चूंकि ये एंडीज जो पर्वत है, जो दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, ये इस महाद्वीप के वेस्टर्न कोस्ट पे क्या है, फैली हुई है। अब देखिए, इस एंडीज की अगर बात करें तो इस एंडीज रेंज में क्या, कई सारी पीक्स, कई सारी क्या पहाड़ियां भी आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो कौन कौन सी पहाड़ियां हैं जरा उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, इसी एंडीज रेंज में आपको दो क्या मिलेंगी, पीक क्या मिलेंगी, दो पहाड़ यहाँ पे, तो छोटी छोटी क्या मिलेंगी, चोटियाँ आपको मिलेंगी, और दो पीक आपको इस दक्षिण वाले हिस्से में मिलेंगी एंडीज के। दोनों के ही एग्जाम के लिए नाम इम्पोर्टेंट हैं, जरा जान ले नाम। देखिए, जो सबसे पहली वाली पीक आपको दिखाई दी, जो सबसे पहली वाली चोटी है, इस चोटी को या इस माउंटेन को हम लोग बोलते हैं, आप सभी लोगों ने कोटोपैक्सी पर्वत माउंटेन का नाम सुना होगा, जो क्या है, एक वोल्केनिक माउंटेन है। तो ये कोटोपैक्सी माउंटेन है, ठीक है। नीचे वाले को हम बोलते हैं चिम्बराजो। कौन सा पर्वत है, चिम्बराजो पर्वत। और ये दोनों ही पर्वत आपको इक्वाडोर में मिलेंगे। हम पीछे इनको पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दोनों ही माउंटेन कहां पर मिलेंगे आपको, इक्वाडोर में, ठीक है। और देखिए, ये क्या है, दोनों ही कैसे पर्वत है, वोल्केनिक माउंटेन, दोनों ही क्या है वोल्केनिक माउंटेन है, दोनों ही क्या है, एक एक्टिव वोल्केनो है। हम लोग पढ़ चुके हैं दुनिया का सबसे ऊंचा वोल्केनिक माउंटेन कौन सा है, कोटोपैक्सी। तो ये कहां मिलेगा आपको, एंडीज में ही मिलेगा। नीचे हम लोग आते हैं और नीचे वाले माउंटेन्स की हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर दो पर्वत आपको मिलेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहला वाला माउंटेन है इसकी अगर बात करें भाई, तो देखिए, इस माउंटेन को कहा जाता है, आप सभी ने नाम सुना है, ओजोस डेल सलाडो, चिली और क्या है, अर्जेंटीना, दो देशों में फैला हुआ है। इस माउंटेन का नाम है ओजोस डेल सेलाडो, ठीक है। ये ओजोस डेल सेलाडो नाम का पर्वत चिली और अर्जेंटीना दो कंट्रीज में क्या है, इसका विस्तार है। और यहीं पर इस महाद्वीप की अगर हम लोग बात करें, सेकंड वाले की बात करें, तो ये क्या है, यहीं पर ये माउंटेन है, यही मिलेगा आपको एकोंकागुआ माउंटेन। और देखिए, बता दें, ये जो एकोंकागुआ पर्वत है, याद रखें, ये एकोंकागुआ इस एंडीज की हाईएस्ट पीक है, एंडीज माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम एग्जाम में कई बार पूछते हैं, तो वो कौन सी है, एकोंकागुआ। और ये एकोंकागुआ आपको अर्जेंटीना में मिलेगा, कहां पर मिलेगा, अर्जेंटीना में इसका विस्तार मिलेगा, ठीक है। ओजोस डेल सेलाडो आपको कहां मिलेगा, चिली और अर्जेंटीना दो कंट्रीज के बाउंड्री पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो एकोंकागुआ हाईएस्ट पीक है किसकी, इस एंडीज माउंटेन की। इतनी बात स्पष्ट हो गई होंगी। चलें दूसरी बात करते हैं, तो ये कुछ फेमस माउंटेन है, कोटोपैक्सी, चिम्बरा, जो दोनों फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, इक्वाडोर में आपको मिलेंगे।
इतनी बातें हो गई। अब इसके बाद थोड़े से जरा इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, सॉरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करें, तो देखिए यहीं पर आपको मिलेगा, एक जगह मिलेगी आप लोगों ने, बड़ा फेमस है, एमेजोन बेसिन। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? एमेजोन रिवर, हम पढ़ेंगे। एमेजोन रिवर बेसिन आपको यहीं पे मिलेगा, और एमेजोन रिवर बेसिन के बाद कुछ घास के मैदान आपको मिलेंगे, कुछ ग्रास लैंड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए इस साउथ अमेरिका में जितने भी घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों को मैं इस वाले मार्कर से, इस पर्पल मार्कर से कर रहा हूँ, मैं डिनोट कर रहा हूँ। तो कौन कौन से ग्रास लैंड यहाँ पर पाए जाते हैं? देखिए यहीं पर आपको एक घास का मैदान मिलेगा, इसका नाम है सेल्वास। कौन सा ग्रास लैंड है ये? तो ये सेल्वास घास का मैदान आपको ब्राजील में मिलेगा। एक ग्रास लैंड आपको यहां मिलेगा, इसका नाम है लानोस। कौन सा है? लानोस घास का मैदान। ये कोलंबिया और ब्राजील, ठीक है, दो देशों में, सॉरी कोलंबिया और ब्राजील नहीं, वेनेजुएला, कोलंबिया और वेनेजुएला में इसका विस्तार मिलेगा। किसका? लानोस का मिलेगा। ठीक है, नीचे आते थोड़ा सा हमको एक और घास का मैदान मिलेगा यहां पर, कटिंगास, ये भी ब्राजील में मिलेगा। जरा इसको भी आप याद रखें, कटिंगास। ब्राजील में एक और ग्रास लैंड आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं कैंपोस। कौन सा है? ये हो गया हमारा कैंपोस घास का मैदान, ठीक है। और एक घास का मैदान आपको अर्जेंटीना में मिलेगा, जिसका विस्तार अर्जेंटीना और उरुग्वे नाम के दो देशों में मिलेगा। देखिए यहीं पर एक घास का मैदान है जिसको एग्जाम में काफी पूछा जाता है, और इसका नाम है पंपास। तो पंपास घास को याद रखें, अर्जेंटीना और उरुग्वे दो देशों में फैला हुआ है। तो ये हो गए कुछ ग्रासलैंड्स जिनको अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो जितने भी घास के मैदान हैं, फिर से मैं क्या कर दे रहा हूँ उनको इस मार्कर से, यानी कि इस ग्रीन मार्कर से शो कर दे रहा हूँ, ये सब क्या है? घास के मैदान मिलेंगे आपको, ठीक है। याद रखना, सेल्वास, लानोस और पंपास को एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ का एक प्लेटू बड़ा फेमस है, एक सॉरी एक प्लेटू नहीं, डेजर्ट की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए अर्जेंटीना वाले रीजन में यहाँ पर एक डेजर्ट आपको मिलेगा, आप इस डेजर्ट का नाम याद रखें, इसका नाम है पैटागोनिया, पैटागोनिया डेजर्ट, ठीक है। ये पैटागोनिया डैम का डेजर्ट आपको अर्जेंटीना में मिलेगा, पैटागोनिया, ठीक। ऊपर चलते हम लोग, यहाँ पर एक मैदान आपको मिलेगा, एक प्लेटू मिलेगा, माटो ग्रासो प्लेटू। केवल नाम हम लोग इनके जानने हैं, एग्जाम में कई बार आ जाता है, माटो ग्रासो पठार, एक इस पठार का नाम जरा याद रखें आप एग्जाम के लिए। और एक प्लेन यहां पर मिलेगा, बोलीविया में फैला हुआ, बोलीविया अर्जेंटीना और क्या है, चिली, पेरू में फैला हुआ, सॉरी बोलीविया अर्जेंटीना और चिली वाले क्षेत्र में फैला हुआ। इस मैदान की अगर हम लोग बात करें तो इसका नाम है ग्रान चाको। ग्रान चाको, ठीक है, ये एक मैदान है, ग्रान चाको मैदान इसी क्षेत्र में मिलेगा। अब देखिए इसी एंडीज रेंज की मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो इसी एंडीज रेंज में अभी एक दो क्या है, डेजर्ट बड़े फेमस हैं। तो इसी एंडीज रेंज में अगर मैं बात करूं तो यहीं पर एक मरुस्थल बड़ा फेमस आपको मिलेगा, ठीक है। इस मरुस्थल के बारे में बात करते हैं, तो यहां पर आपको मिलेगा, आपको चिहू आहुआन डेजर्ट आपको यहां पर मिलेगा। और यहीं पर थोड़ा सा नीचे अगर आप आते हो इस क्षेत्र में, एक डेजर्ट आपको यहां पर मिलेगा और एक डेजर्ट ये हो गया, ठीक है, दो मरुस्थल आपको मिलेंगे। तो ये जो छोटा मरुस्थल है इसका नामकरण कर लेते हैं, और इस बड़े वाले डेजर्ट का भी हम लोग नाम कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो सबसे पहला वाला मरुस्थल है इसको बोलते हैं चिहू आहुआन डेजर्ट, तो इस डेजर्ट की बात करें या इसको, इसका नाम है चिकवी कमाता डेजर्ट। कौन सा मरुस्थल है? देखिए चिकवी कमाता नाम का मरुस्थल, दो देशों में इसका विस्तार मिलता है, पेरू और ये फैला हुआ है किसमें, चिली के अंदर, ठीक है। और इस डेजर्ट की बात करें तो दुनिया में अगर हम लोग बात करें, दुनिया में सबसे ज्यादा क्या, तांबे का उत्पादन इसी डेजर्ट से होता है, यानी कि चिली नाम का देश दुनिया में क्या करता है, सॉरी सबसे ज्यादा क्या करता है, तांबे का उत्पादन करता है। इसलिए इस चिकवी कमाता को विश्व की तांबे की राजधानी बोला जाता है, ठीक है।
जो चिली नाम का देश है उसे चिली में क्या होता है, यहां पे होता है कोपर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन। कहां से होता है, इसी चिकुविकमाता डेजर्ट, चिली वाले क्षेत्र में ये आपको मिलेगा। नेक्स्ट डेजर्ट की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कॉपर प्रोडक्शन होता है और इसलिए इसको क्या है, विश्व की क्या है, तांबे की राजधानी बोलते हैं, विश्व की तांबे की राजधानी, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ कॉपर, किसको, इसी चिकुविकमाता डेजर्ट को, ठीक है। और ऐसे ही देखिए जूसा वाले डेजर्ट आपको बात कर रहे हैं, इस वाले डेजर्ट की बात कर लेते हैं, सेकेंड वाले की, ये वाला, इसका नाम है अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल। ये चिली में मिलेगा आपको, कहां पे मिलेगा, चिली में फैला हुआ है अटाकामा डेजर्ट, दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है ये, जरा याद रखें, वर्ल्ड्स ड्राइएस्ट डेजर्ट, दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और इस डेजर्ट में क्या होता है, बड़े पैमाने पर होते हैं नाइट्रेट के भंडार, कहां पर मिलेंगे, इसी अटाकामा डेजर्ट में नाइट्रेट रिजर्व मौजूद है, नाइट्रेट के भंडार, दुनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रेट के भंडार कहते हैं इसी अटाकामा डेजर्ट में आपको मिलेंगे। तो देखिए चिकुविकमाता डेजर्ट का नाम याद रखें, और इस केस का, इस अटाकामा डेजर्ट का नाम याद रखें, पैटागोनिया अर्जेंटीना में हो गया। और यहीं पर अगर मैं एक सिटी का नाम ऐड करना चाहूं तो चिली में यहीं पर एक शहर आपको मिलेगा, एक शहर है और इस शहर का नाम है अरीका सिटी, मैं इधर लिख देता हूं अरीका, एक शहर आपको दे रहा हूं मैं अरीका, लेकिन चिली में एक शहर है अरीका, इसको घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है, ये फेमस है घोस्ट टाउन, क्योंकि यहां पर क्या है कोई रहता नहीं है, जितने भी यहां पे रिजर्व थे, जितने भी क्या मिनरल्स के रिजर्व थे, उन सब का क्या दोहन किया जा चुका है और अब यहां से क्या कोई भी मिनरल्स नहीं मिलता है, ठीक है, गलीचा एक होता है कुछ वह निकाला जाता है यहाँ से, और अब क्या हो गया, यहाँ पे कोई मानव बस्ती यहाँ पर बची ही नहीं है, इसलिए इस अरीका सिटी को घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए दूसरी कुछ और हम लोग बातें कर लेते हैं, जरा इतनी स्पष्ट हो गई होंगी, देखिए दो तीन लेक्स यहाँ की बड़ी फेमस है, दो लेक्स की मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, एक झील आपको इस क्षेत्र में मिलेगी यहीं पर, और एक लेक आपको इस क्षेत्र में मिलेगी, दो झीलों की मैं बात करना चाहता हूँ बस। तो जो पहली वाली लेक है इसका नाम है लेक मरा कैबो, लेक मरा कैबो, देखिए जो मरा कैबो झील है ये वेनेजुएला में आपको मिलेगी, और इस झील की बात करें कहां पर मिलेगी आपको, वेनेजुएला, वेनेजुएला में इस मरा कैबो लेक के बारे में अगर हम लोग बात करें, यहां से कहता है ऑयल का प्रोडक्शन भी करता है इस रिवर, इस झील के क्षेत्र से वेनेजुएला तेल का उत्पादन भी करता है। और देखिए इसी मरा कैबो लेक के पास अगर मैं बात करूं तो यहीं पर एक वाटरफॉल आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, एक जलप्रपात है यहीं पर, बड़ा फेमस जलप्रपात है, आप सब लोगों ने दुनिया के सबसे ऊंचे वाटरफॉल की बात कर रहा हूं, तो कौन सा वाटरफॉल है, एंजिल वाटरफॉल, ये भी कहाँ मिलेगा आपको, वेनेजुएला में ही मिलेगा, ठीक है। और याद रखें जो एंजिल वाटरफॉल है ये एक नदी है कैरो, कैरो नदी की सहायक नदी, इसका नाम है चुरन, ठीक है, तो कैरो की ट्रिब्यूटरी है चुरन, इस पे कौन सा वाटरफॉल मिला हुआ है, एंजिल वाटरफॉल, जो दुनिया का सबसे ऊंचा क्या है, जलप्रपात। और इस वाली लेक की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखें इस लेक का नाम है टिटिकाका झील, मैं इसका लिख देता हूं, ये है आपकी लेक टिटिकाका, पेरू और बोलीविया, इन दोनों देशों की बाउंड्री पे आपको मिलेगी टिटिकाका झील, ठीक है। ये दुनिया की सबसे ऊंची नेविगेबल लेक है, याद रखें दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील, कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कौन सी है, टिटिकाका पेरू और बोलीविया के बाउंड्री पे आपको मिलेगी, एंजल वाटरफॉल में आपको दे चुका हूं, ठीक है। अब इसके साथ देखिए इस वाले क्षेत्र में आप आइए, ये रीजन अभी मैं डिस्कस ही नहीं हूं बिल्कुल, दक्षिण वाले क्षेत्र में अगर आप आओगे तो इस दक्षिण वाले क्षेत्र में आने पर ये जो आपको आइलैंड दिखाई दे रहा है, ये वाला जो आइलैंड है, देखें इस आइलैंड का नाम है फॉकलैंड, आपने कई बार पढ़ा होगा फॉकलैंड करंट, है ना,
और ये यूके यूनाइटेड किंगडम की टेरिटरी है, ये इसका किसका कंट्रोल है, यूके का, इस पे है यूके का कंट्रोल। तो फॉकलैंड जलधारा यहीं से बंद, इसका नाम क्या पड़ गया, फॉकलैंड करंट बन गया। देखिए ये वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है किसका, इस की बात कर रहा हूं, इस सॉरी इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। तो एक काम करता हूं, इस वाले हिस्से की बात करता हूं और इस वाले हिस्से को उठा के मैं यहां रख लेता हूं, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको अगर ऐड करना चाहो, कुछ चीज ऐड कर ले वीडियो पॉज करके, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहा हूं जरा। चले तो इस साइड को मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं और हम लोग इधर समझ लेते हैं। इस आइलैंड को भी मैं रफ कर दे रहा हूं, ये कौन सा आइलैंड है, फॉकलैंड आइलैंड। देखो जरा तो दक्षिण वाले अफ्रीका को मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ये इतने हिस्से की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए ये जो रीजन आपको दिख रहा है, ये जो गैप, सबसे पहली बात इस द्वीप की, इस वाले जो छोटा सा ये गैप अलग दिख रहा है आपको, मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूं। देखिए देखिए पहली बात, ये जो आइलैंड, ये जो छोटा वाला अलग वाला हिस्सा दिख रहा है, इसको बोलते हैं टियरा डेल फ्यूगो। क्या नाम है इसका, टियरा डेल फ्यूगो इसका नाम है, टियरा डेल फ्यू फ्यूगो। क्या नाम है इसका, टियरा डेल फ्यूगो। और टियरा डेल फ्यूगो इस बाकी अफ्रीका से अलग है, और इसके बीच में जो ये वाला जो गैप आपको दिख रहा है, इस गैप का नाम है, यानी कोई स्टेट, कोई जलसंधि होगी, तो इसका नाम है मैगलन स्टेट। कौन सा नाम है, मैगलन, मैगलन स्टेट। थोड़ा माइक प्रॉब्लम कर रहा है, 1 मिनट रुकिए, ठीक है, चलिए हो गया, ठीक है। देखिए ये कौन सी आपकी मैगलन जलसंधि, यानी कि मैगलन जलसंधि इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को किससे अलग करती है, टियरा डेल फ्यूगो से अलग करती है। और देखिए दूसरी बात, इस टियरा डेल फ्यूगो की मैं बात करूं, तो इस टियरा डेल फ्यूगो का ये जो दक्षिण वाला हिस्सा सबसे क्या है, दक्षिणी पॉइंट है, इस पॉइंट को कहा जाता है केप होर्न। क्या नाम है इसका, इसका नाम है केप होर्न, यानी कि जो केप होर्न है ये इस महाद्वीप का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ठीक है। अब देखिए दिक्कत ये, इस सॉरी इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया, केप होर्न। अब ये जो टीरा डेल फ्यूगो है, ये फ्यूगो का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा, कुछ हिस्सा क्या है, ये किसके कंट्रोल में है, अर्जेंटीना के कंट्रोल में है, और इसका नीचे वाला कुछ हिस्सा किसके कंट्रोल में है, ये चिली के कंट्रोल में है। तो इसी दक्षिण में क्या है, दरअसल एक गांव हुआ करता था, यहां पर क्या था, एक गांव था, इस गांव को चिली ने क्या काम कर दिया, शहर बना दिया। क्या बनाया, शहर बनाया, और इस तरह से जो सिटी बना, ये सिटी दुनिया का क्या है, सबसे क्या, दक्षिणी शहर कहलाया, दुनिया का सबसे दक्षिणी शहर साल 2020 में ही इसको ये डिक्लेयर किया गया, साल 2020, शायद 19 के लास्ट की बात है या 20 की, मतलब हाल फिलहाल की बात है। तो ये इस जो ये जो गांव था, इसको कहा जाता है दुनिया का सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है। और ये है दुनिया का, नहीं दुनिया का सबसे क्या, दक्षिणी शहर, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, इसका नाम याद रखेंगे आप लोग, प्यूटो विलियम्स। देखिए प्यूटो विलियम्स विश्व का सबसे दक्षिणी शहर, ठीक है, सदर्न मोस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, प्यूटो विलियम्स, ठीक, इतना मैं समझाना चाह रहा था। तो बाकी ये कुछ लोकेशंस हम लोगों ने दिया है, तो आप सेल्वास को ध्यान रखेंगे, लानोस कोलंबिया वेनेजुएला में मिलेगा आपको, सेल्वास ब्राजील में, कटिंगा कैंपोस ब्राजील में, इस क्षेत्र को ब्राजीलियन हाईलैंड के नाम से जाना जाता है, पंपास घास का मैदान आपको अर्जेंटीना और उरुग्वे में मिलेगा, देखिए पैटागोनिया डेजर्ट आपको क्या मिलेगा, अर्जेंटीना में मिलेगा,
आज ओजोस डेल सेराडो चिली और अर्जेंटीना में मिलेगा। एकोनकागुआ माउंटेन जो इस एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है ये आपको अर्जेंटीना में मिलेगी। कोटोपैक्सी माउंटेन और चिम्बरा जो दोनों वोल्केनिक माउंटेन है दोनों ही कहाँ पर दिखाई देंगे आपको, एंडीज में ही दिखाई देंगे। इक्वाडोर कहाँ मिलेंगे आपको, इक्वाडोर में ही दोनों मिलेंगे आपको। चिकुवी कमाता डेजर्ट, ठीक है, चिकुवी कमाता डेजर्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये डेजर्ट क्या है, दुनिया का सबसे, इसको क्या है, विश्व की तांबे की राजधानी बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है, चिली नाम के देश से क्या तांबे का उत्पादन होता है, ठीक है। दूसरी बात, अभी मैंने बात की अटाकामा डेजर्ट की, तो अटाकामा डेजर्ट की अगर हम लोग बात करें दुनिया का सबसे क्या शुष्क मरुस्थल है, यहाँ पर क्या सबसे ज्यादा नाइट्रेट के रिजर्व मौजूद हैं इस क्षेत्र में, ठीक है। तो माटोग्रासो प्लेटू आप याद रखें और ग्रांड चाको ये भी आप याद, एक मैदान है ग्रांड चाको प्लेन, ठीक है भाई। इतनी बात मैं शेयर करना चाह रहा था आपके साथ। और चलते अभी इसमें कुछ हम लोग रिवर्स को डिस्कस करेंगे, रिवर्स के साथ साथ है कि यहाँ पे एक आइलैंड बड़ा फेमस है, यहाँ पे एक आइलैंड है इसको, ये कई बार न्यूज में रहता है, तो इस आइलैंड को मैं लिख देता हूँ। इस आइलैंड का नाम है गालपैगोस आइलैंड, इसको बोलते हैं गालपैगोस द्वीप। और देखिए ये जो गालपैगोस द्वीप है ये भी किसकी टेरिटरी है, इक्वाडोर की टेरिटरी है। गालपैगोस आइलैंड पूरी दुनिया में फेमस है ऑलिव रिडले टर्टल के लिए, ऑलिव रिडले कछुए के लिए। ये गालपैगोस आइलैंड ऑलिव रिडले कछुए का क्या है जन्म स्थान है, उसका क्या है, सॉरी जन्म स्थान है, उसका क्या हैबिटेट है। देखिए ऑलिव रिडले कछुए के बारे में आप जरा विकीपीडिया या गूगल पर आप सर्च करेंगे तो पाएंगे, ऑलिव रिडले कछुए विश्व में बहुत कम है, कोई स्पेशल कछुए होते हैं ऑलिव रिडले। भारत में भी ओडिशा कोस्ट में क्या होता है ये टर्टल पाए जाते हैं, कई बार न्यूज में रहते हैं टर्टल। तो ऑलिव रिडले का विश्व में केवल कुछ ही जगह पर ये बचे हुए हैं, हैबिटेट है इनका। तो ऐसे ही वो एक आइलैंड कौन सा है, गालपैगोस आइलैंड, ठीक है। तो ये तो किसनी बात कर ली हम लोगों ने कुछ इस, देखिए इतना ही आपके लिए सफिशियंट है फिलहाल, हम लोग इतने से ही काम चला, इतने से ही आपका काम चल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मैंने ऐड कर दिए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल एंजल वाटरफॉल वो भी कहाँ मिलेगा आपको, इसी क्षेत्र मिलेगा। देखिए लेक है, ये लेक का नाम मैंने बताया लेक टिटिकाका, दुनिया की हाइएस्ट क्या है नेविगेबल लेक है, सबसे ऊंची नोगम्ब झील है। और एक लेक और मैंने दी आपको मारा क्या, वो लेक कहाँ मिलेगी आपको, वेनेजुएला के अंदर दिखाई देगी, ठीक। जल्दी से आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। मैं हम लोग बात करते हैं कुछ यहां की फेमस रिवर्स के बारे में बात करेंगे, और रिवर्स के साथ साथ यहां का जो इस पूरे इस कॉन्टिनेंट का जो सबसे बड़ा क्या है कंट्री है उस एरिया के मामले में, उसका नाम है ब्राजील। थोड़ी सी बात ब्राजील के बारे में करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों के लिए समर्पित महाद्वीप बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या भाई अमेजोन बेसिन, दुनिया के सबसे क्या घने जंगल अमेजोन क्षेत्र यहीं पर मिलेगा आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट, चलिए इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दो तीन नदियां हैं फेमस हैं, जरा उनको जान लेते हैं कौन कौन नदियां हैं। और सबसे बड़ी नदी आपको पता होगा कौन सी है भाई, एमेजोन रिवर। तो देखिए एमेजोन रिवर एंडीज माउंटेन से निकलती है, ओरिजिन कहाँ से होता है, एंडीज से होता है, और एटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी है विगेस्ट रिवर, इसका जो अपवाद क्षेत्र है वो सबसे क्या है बड़ा है। देखिए नील नदी जो नाइल रिवर है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, और ये क्या सबसे बड़ी नदी है। और दूसरी बात करें इसकी, अमेजोन की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, इसको बोलते हैं मडीरा। मडीरा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट रिवर की हम लोग बात कर लेते हैं, तो अगली है आपकी ओरिनिको। एक रिवर मिलेगी आपको ओरिनिको रिवर, देखिए कोलंबिया और वेनेजुएला नाम के दो देशों में मिलेगी नदियां जाती है।
और इस नदी की बात करें तो ये भी एंडीज माउंटेन से ही निकलती है, कौन सी नदी, ओरिनोको नदी, ठीक है। और ये भी क्या करती है, अटलांटिक ओशन में जाकर क्या होती है, गिर जाती है। लेकिन इसकी एक ट्रिब्यूटरी का अगर आप नाम याद रखेंगे, इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, और इसका नाम है कैरो, कैरो या कैरोनी। और आपको पता है इसी कैरो या कैरोनी नदी की ट्रिब्यूटरी है चुरल, उसी पे क्या मिलेगा आपको, एंजल फॉल मिल जाएगा। तो एग्जाम में कई बार ऐसा भी प्रश्न आता है कि किस नदी पर क्या है एंजल वाटरफॉल है, लेकिन कई बार चुरन ना देखकर क्या कैरो भी दे देते हैं, तो ये आप इसको भी टिक कर सकते हैं। और इन्हीं के साथ साथ अगली नदी है मैग्डेलिना नदी, कौन सी है भाई, मैग्डेलिना नदी, कौन सी नदी हो गई, मैग्डेलिना नदी हो गई। मैग्डेलिना के बाद आपको मिलेगी मैग्डेलिना के बाद आपको मिलेगी कोलोराडो नदी, ठीक है, कोलोराडो। और एक और लास्ट जान लेते हैं, एक नदी का नाम है पराना नदी। तो ये यहां की क्या है, कुछ फेमस नदियां हैं जिनको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। और सबसे लास्ट में यहाँ के सबसे बड़ा कंट्री मिलेगा आपको, सबसे फेमस कंट्री है कौन सा, ब्राज़ील की बात कर लेते हैं। देखिए ब्राज़ील में पूरे विश्व में इसको क्या है, कॉफी हाउस के नाम से फेमस है ब्राज़ील, किस नाम से फेमस है पूरे विश्व में, विश्व में कॉफी हाउस इसको कहा जाता है ब्राज़ील को। और ब्राज़ील की हम लोग बात करें तो ब्राज़ील का एक शहर बड़ा फेमस है, आप नाम सुने होंगे, साओ पालो सिटी, ठीक है, साओ पालो, इसको क्या है सही बार साओ पाउलो भी कहा जाता है, PAULO, ठीक है। तो ब्राजील का जो साओ पालो शहर है, ये ब्राजील का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ क्या है, दक्षिणी गोलार्ध का भी क्या है, सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट है ऑफ ब्राजील। तो ब्राजील का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ सदन, देखिए दक्षिणी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा शहर कौन सा है, साओ पालो शहर। और इसी साओ पालो शहर में दुनिया की सबसे बड़ी कहवा की मंडी लगती है, ये क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी क्या है, कहवा मंडी भी है। मार्केट, देखो इसी को कहवा बोला जाता है, कॉफी का ही टाइप होता है कहवा, ठीक है। और ब्राजील के बारे में कुछ और बातें कर लेते हैं, देखिए यहां का एक बंदरगाह है सेंटोस, सेंटोस पोर्ट फेमस है किस नाम से, इसी को कहा जाता है, ये कॉफी पोर्ट के नाम से फेमस है, कौन सा, सेंटोस बंदरगाह ब्राजील का कॉफी बंदरगाह के नाम से पूरे विश्व में फेमस है, ठीक है। और ब्राजील की ही बात करें तो देखिए ब्राजील में जो बड़े बड़े चाय के बागान, सॉरी कहवा के बागान होते हैं, कॉफी के प्लांटेशन होते हैं, उनको फजेंडा कहा जाता है, तो फजेंडा। फजेंडा ये क्या है, दरअसल कॉफी के बड़े बड़े बागान, उनको क्या बोलते हैं, फजेंडा कहा जाता है यहां पर। वेरी लार्ज प्लांटेशन ऑफ कॉफी, ठीक है, क्या बोलते हैं, फजेंडा। ये ब्राजील के बारे में कुछ बात हम लोग करना चाह रहे थे। और अगर दूसरी एक दो बात में फैक्ट इसमें और ऐड कर दूं अलग से, देखिए दुनिया की जो सबसे सॉफ्ट लकड़ी है, सबसे क्या है, हल्की लकड़ी मानी जाती है, इस लकड़ी का नाम है वाल्सा। ये बाल्सा दुनिया की सबसे क्या है, हल्की लकड़ी है, कौन सी, वाल्सा, जो कहां मिलेगी आपको, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में ही आपको मिलेगी। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में भी कहां मिलती है, सेल्वास,
सेलवास में जाने मिलती है। कहाँ मिलती है? सेलवास घास के मैदान में सबसे मुलायम लकड़ी पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? वालशा कहा जाता है। और इसी में अगर हम लोग बात करें, यहीं पर दुनिया की सबसे क्या है, कठोर लकड़ी मिलती है आपको कुएवेरा को, क्या बोलते हैं? कुए ब्रेको, ठीक है। ये क्या है? कुएवेरा को दुनिया की क्या है सबसे कठोर लकड़ी है, हार्डवुड है। और ये जो हार्डवुड है इसी को कहा जाता है एक्स ब्रेकर, कुल्हाड़ी तोड़ कहा जाता है इसको। इतनी मुलायम होती है कि इस लकड़ी का नाम ही क्या पड़ गया, कुल्हाड़ी तोड़ लकड़ी पिल गया। और ये नदी, अगर आप ये लकड़ी की अगर आप बात करो, सॉरी रिवर बोल रहा हूं, ये लकड़ी आपको ग्रांड चाको, अभी मैंने पढ़ाया आपको, कहां मिलेगी? उसी ग्रांड चाको क्षेत्र में। कौन सी मिलती है? ये वाली, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया किसको? साउथ अमेरिका को। मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज चलता चलता, देखिए सबसे पहली बात, दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेनेज मैंने बता दिया आपको एंडीज, एंडीज में ही आपको चिमबराजो मिलेगा, एंडीज में ही कोटोपैक्सी माउंटेन मिलेंगे, दोनों वोल्केनिक माउंटेन है। कहाँ पर हो गई आपके, ये आपको मिल जाते हैं कहाँ पर? इक्वाडोर, ठीक है। और इसी नीचे आप आओगे तो आपको ओजोस डेल सलाडो चिली और पेरू में मिलेगा, आपको एक वोल्केनिक माउंटेन है। और इसी एंडीज की जो हाइएस्ट पीक है उसका नाम है माउंट अकोनकागुआ, मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, कहाँ पर मिलेगी आपको? इसी अर्जेंटीना में मिलेगी, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछते हैं यहाँ के कुछ ग्रासलैंड, मतलब मैंने बताया आपको लानोस कोलंबिया वेनेजुएला में, सेलवास घास का मैदान, कटिंगास, ठीक है, और कैंपोस, एक पंपास मिलेगा आपको अर्जेंटीना और उरुग्वे में, ग्रांचा को मैदान बनाया, माटो ग्रासो प्लेटू मैंने बताया, और अटाकामा डेजर्ट बता दिया, चिकुवी कमासा डेजर्ट हो गया, अरीका सिटी हो गया, घोष टाउन के नाम से फेमस है, दो लेक को हम डिस्कस किए, माराकैबो लेक वेनेजुएला में, और एक है टिटिकाका लेक पेरू और बोलीविया के बाउंड्री पे मिलेगी, ठीक है। दुनिया की सबसे ऊंची क्या है? नेविगेबल लेक है। और दुनिया का सबसे ऊंचा वाटरफॉल हम लोग पढ़ चुके हैं, एंजिल वाटरफॉल आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी बातें हम लोगों ने किसके बारे में बात किया? ब्राजील के बारे में बात किया है। दुनिया का सबसे क्या दक्षिणी शहर कौन सा है? प्यूटो विलियम्स, जो चिली में आपको मिलेगा, ठीक। तो इतनी बातें आज के लिए हम लोग रखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी नए कॉन्टिनेंट के साथ, अफ्रीका के साथ हम लोग कोशिश करेंगे मिले, जो भी कॉन्टिनेंट रहेगा मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक।